ये बताओ क्या हमारी प्रण को पूरा कर देगा जो दुल्हा बन करके जाएगा, अढ़ाई कुंटल का जो करहिया है वही में गरम तेल खौला जाए, जो दुल्हा बन करके जाएगा उसमें स्नान करने पड़ेगा। ये बताओ भाई तुम्हारे अरे बड़े भाई जिंदा रह सकता है नहीं ना में भैया जी आप जिंदा रहेंगे परम जो होगा पूरा करूंगा। आप पहले दुल्हा बना बनने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं ना में मैं नहीं जाऊंगा, तो से किला में कन्या खोजो स्वयं दुल्हा बन करके जाएगा, लेकिन आईना नैना में मैं आग लगा दूंगा। भैया मैं तिल अब छीन कर जंगल से आया हूँ, मैं उसका क्या करूँ। वापस कर दो, ऐसा ऐसा प्रण है नैना का वो प्रण तुम पूरा नहीं कर सकता है। भैंस का परु 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 उदा 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 कहीं से डाका डाल कर लाता है, मेरी माँ बुढ़ी खाना बनाती है, एक थाली देता है, खान कर गाल भरा कर गाड़ी पर बैठ जाता है। नाना को डर से डरते हैं। भैया जी डरो मत, जैसे द्वारका में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे धनुधारी अर्जुन जो हमारे इस पृथ्वी पर आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। भैया भैया जा मरे कोई कब मरे तब ही वो जाना हो। कभू ना सिंह
बार बीए कब होना। जब वीर आगे को पार धरे तो पीछे की पार सही जोड़ा। अब टीका छीन लिया है तो शादी के लिए भैया को तैयार करो, नहीं तो नग्न मोहब्बा का साल क्या करूं क्या करूं। मैं यहां से राज बनारस पत्र भेजता हूं दादाजी को पास। दादाजी आएगा, अगर दादाजी को बात नहीं मानेगा भैया उल्टा बाण मानेगा अपने आप शादी के लिए तैयार हो जाएगा। भैया डेरा महाराज तू मेरा मदद करो, दोस्त 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 जाओ राज बनारस। दादाजी से कहो जाते ही मेरा तरफ से प्रणाम और कह रहा कि महाराज दादाजी आपका बेटा उधर भोपाल में बुलाया है, जरूरी पड़ गया। सही बात जगी महाराज, अब शादी का घर है तो प्रत्येक प्राणी को इधर से उधर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, परंतु शादी होगी आल्हा महाराज को, भाभी आएगी तो गरम गरम कचौड़ी तुमको खिलाएगा। अच्छा, लेकिन मुझको क्या फायदा है, मैं क्यों जाऊं? क्या फायदा है, तू मेरा बचपन का दोस्त था, तू मेरा भैया को शादी में मदद नहीं कर सकते हो? सही बात जंगी महाराज, अगर आप कहते हैं तो मैं जाता हूँ बनारस और दादा सैयद को बुला करके फौरन ले आता हूँ। तब तक समझाइए कहे गुमान करे नर मूरखे, कहे गुमान करे नर मूरखे, दो दिन का ये मेला है क्या लेकर के बुलाए हैं, आप चल चलिए।
कहो उधर किसने याद किया है? दादाजी मैं सोशेबा प्रसाद बनबरी जंगल में शिकार खेल रहे थे। नैना निवासी सामदेव सिंह का पुत्र छोटा नाम का वह क्षत्रियो की गाली देते जा रहा था कि यह संसार में क्षत्रिय नहीं है, सब मर गया, सब हिजड़ा है, सब कायर है। मेरा कान में आवाज गया, मैं आगे से घेर लिया। फिर क्या हुआ? कहा भाई गाली क्यों देता है? कहा कि मेरी पास एक बहन है, मैं उससे ठीका लेकर एक आदमी किला में घूम गया। नैना को भाई से कोई नहीं उठाया। क्या नहीं? मैंने सोचा कि मेरा पास एक बड़े भैया है, मैं इस टीका को लगाता हूँ, भैया जी को चढ़ाकर शाम के रात नैना में जाऊंगा। कारण मेरी भाभी रहेगी, खाना बनाएगी, दादा खुशिये ये भैया शादी को इनकार हो रहा है कि मैं नैना में शादी नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपका बुलवाया हूँ, आप जरा भैया जी समझाइए। चलिए खुश रहेगा, जय श्री गंगा की वैश्य मन बढ़ता जा। बोलो बहुत सब चाय हुए लग रहे हो, कारण क्या है? मुंह सूखा हुआ है? देखो मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और तुम्हें बहुत कटोरा में दूध भात खिलाया हूँ, मेरा बात को मान जाओ। दादाजी आप जो सिरे किला में कन्या खोजिए, स्वयं अल्हा बन करके दूल्हा जाएगा, लेकिन नैना में मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा बोलो? दादाजी बात को मान लो। दादा कुछ बीत जाए लेकिन नैना में मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं। उदल देखो मेरे बात को ऐसे नहीं मानेगा, इसे बांध बुझ क्या उल्टा बांध और बांध करके ले चलो। ऐसे नहीं मानने वाला।
दादाजी आपका भी जाना पड़ेगा, कारण समझी भी लेंगे, आप ही तो करना होगा। क्यों नहीं, मेरे पास तो 1,00,000 नाती है, 1,25,00,000 पोता है। धन है भैया, धन है दादाजी, आप भैया एक बार भैया हनीफा सबको सब रात धन है दादा दादा सखी सहेली है, सबके सब दरबार में हाजिर हो जाओ।